तो हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस ऑफिस, जिसमें हम बात करेंगे पावर पॉइंट के बारे में। लास्ट क्लासेस के अंदर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस पर्पस से होता है। तो आपने पर्पस के बारे में जाना था कि हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब चलिए हम पावर पॉइंट के स्ट्रक्चर और पावर पॉइंट को यूज करने के तरीके के बारे में जानते हैं। पावर पॉइंट 2016 है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग है, थोड़ा सा ऐप वगैरह है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल आप किस तरह की प्रेजेंटेशंस के लिए करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टैंपलेट दिए हुए हैं। आप अगर टैंपलेट में देखिए आपके अकॉर्डिंग भी टैंपलेट मिल रहा है, यू कैन चूज इट। बट अगर मोस्टली टाइम पे हमें टैंपलेट बहुत कम ही चूज करते हैं, हम खुद यहाँ डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि टैंपलेट में हमारे कंपनी के लोगो वगैरह और उनके स्लोगन वगैरह डालना पड़ता है, तो हम लोग ब्लैंक टैंपलेट ही लेते हैं। जब भी हम ब्लैंक टैंपलेट ओपन करेंगे तो ये आइटर टैंपलेट कहलाता है। टैंपलेट जो है दो तीन तरह के होते हैं। जब जब भी आप स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं तो हमारे स्लाइड जो है दो तीन तरह के होते हैं। इसको हम लोग टाइटल कहते हैं। जैसे कि आपने मिस वर्ड के अंदर में कवर लेटर देखा था, उस तरह का। जब न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए आपको स्लाइड के टाइप्स है कि टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट्स, सेक्शन हेडर, टू कंटेन, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेन विथ कैप्शन, पिक्चर एंड कैप्शन। तो जब जब आप कहने मतलब नहीं कि स्लाइड इंसर्ट करते जाइए और डालते चले जाइए, वो बड़ी बात नहीं है। जब आप स्लाइड बना रहे हैं तो जो स्लाइड है वो क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहां से स्लाइड को इंसर्ट करें, ठीक है। लेकिन स्लाइड बनाने से पहले हम फाइल मेनू के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फाइल मेनू में आप जाएंगे तो यहां सबसे पहले इन्फो, मतलब कि इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल, जिसमें यहाँ पे फाइल की पूरी प्रॉपर्टीज और चीज आएगी। तो आप यहाँ पे टाइटल वगैरह डाल दोगे तो उससे क्या होगा कि एवरीबॉडी फाइंड आउट कि हाँ ये फाइल आपका ओके है, ठीक है। और यहाँ पे ऑथर नेम चेक कर लीजिएगा कि ऑथर नेम क्या है। ऑथर नेम बाय डिफॉल्ट लॉग इन होता है, आपका लॉग इन आईडी होता है। तो ऑप्शन में जाके आप उस अपने ऑथर को चेंज कर सकते हो। यूजर नेम इज ऑथर नेम, क्योंकि लॉग इन आईडी में क्या होता है कभी कभी यूजर वन, एडमिन वन, इस तरह की कंपनियों में काम करेंगे तो आपको हो सकता है मिलेगा, तो वहां पे इस चीज की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ऑथर से पता चलता है कि वी क्रिएट द टेम्पलेट, वी क्रिएट द स्लाइड्स। तो कोई भी आपके सीनियर पर्सन आपके काम को जा रहा है कि हाँ ये किसने बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट वगैरह है, तो इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। न्यू पे आते हैं। न्यू इट मींस न्यू स्लाइड अदरवाइज टेम्पलेट। और टेम्पलेट यहाँ ऊपर देखिए अलग अलग कैटेगरी क्या है, जिस कैटेगरी का चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, उसी कैटेगरी का दिखेगा और आप उसी को सिर्फ चूज करेंगे और क्रिएट करके डाउनलोड करेंगे। तो टेम्पलेट में क्या हुआ कि आपका डिजाइनिंग किया हुआ होगा, जस्ट आपको चेंज करना है। तो सर बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बिजनेस के अलग अलग क्राइटेरिया के यहाँ पे है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड करें और उसमें अपना चेंजिंग करें। तो टेम्पलेट इसके लिए होता है, और टेम्पलेट हमने वर्ड में भी दिखा था, ये आगे आपको एक्सेल पे भी मिलेगा। ओपन इट मीन्स ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट इन लोकेशंस, ओपन द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स अकॉर्डिंग दिस योर लोकेशन, अपने लोकेशन के हिसाब से नया डॉक्यूमेंट की सेव फाइल को आप अपने टेम्पलेट को सेव करना चाहते हैं। तो सेव करते समय आप जैसे ध्यान दीजिएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके अलग-अलग टाइप्स हैं वो आप देख लीजिएगा। तो जिसमें अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट होता है, इसे माइक्रो डिसेबल होता है। जैसे माइक्रो रिकॉर्डिंग में अगर आप आगे चलते करेंगे तो इस पे इसका इस्तेमाल आप देखिए क्या होगा, ठीक है। तो मैं टैबलेट में करना है, अभी जो पावर पॉइंट शो दिख रहा है ना, पावर पॉइंट शो, अगर
अब इसके बारे में समझिए। चलिए इसके लिए आपको हम डिफरेंस दिखाते हैं पावर पॉइंट एंड पावर पॉइंट शो के बारे में। तो पावर पॉइंट के लिए हम सबसे पहले एक टेम्पलेट ले लेते हैं कोई सा भी। हाँ ये हम ले लेते हैं 24 फीट भी क्या। इस फाइल को हम सेव एज करते हैं दो जगह पे। हम सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे करते हैं। हम यहाँ पे लिटर लेआउट टाइटल लेआउट है यहाँ पे एडू के नाम सेव करते हैं एजुकेशन। तो इसमें हमने पहले को सिलेक्ट किया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डेस्कटॉप पे। अब हम दूसरे को करते हैं सेव एज ब्राउज डेस्कटॉप पे और इसमें हम लेते हैं पावर पॉइंट शो। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है। ये आपका पावर पॉइंट हो गया, ये आपका पावर पॉइंट शो हो गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये हमारा एडिट मोड में ओपन होगा। ठीक है, कौन से मोड में ओपन होगा? एडिट मोड में। अच्छा, उसके इसको एक बार इसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ ऊपर दिख रहा है ना आपको स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, इसका शॉर्टकट F5 है, या फिर स्लाइड शो में जाके यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग इसका भी शॉर्टकट F5 है, ये करना पड़ेगा। तो शो होगा, ठीक है। शो, अब मैं इसको क्लोज करता हूं। अब मैं पावर पॉइंट शो की बात अब इस पर क्लिक किया देखिए क्या होगा। ये डायरेक्ट शो होता है, समझे? तो समझ में आया आपको? अच्छा, ये डायरेक्ट शो होता है आप कह रहे हैं? डायरेक्ट शो होता है और ये आपको एडिट मोड होगा, मतलब कि ये उनके लिए जो पावर पॉइंट पे काम करते हैं और ये उनके लिए जो पावर पॉइंट देखते हैं। आपको अपने लिए इसको शेयर करना है, आप किसी को मेल करना है, अपने बॉस को मेल करना है, आपने स्लाइड बनाया स्लाइड बॉस को मेल करना है, उसको सेव एज शो करके भेजिए। बॉस जब उसको डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसको शो पे होगा। अब हो सकता है कि बॉस को पावर पॉइंट ऑपरेट करना ना आता हो तो फिर दिक्कत क्या होगी, वो पूछेंगे यार इसको शो कैसे करेंगे, या फिर वो ऐसे ही देख लेंगे जैसे यहाँ पर ऐसे ही देख लेंगे क्या। तो पावर पॉइंट शो का इस्तेमाल कब होता है? जब आप किसी को मेल कर रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं, हाँ किसी को भेज रहे हो। तो अब मान लो आपने मैंने आपने मान लीजिए कि मुझे ही मान लीजिए कि एक ट्रेनिंग आपने जो क्लासेस है क्लासेस के बारे में एक प्रेजेंटेशन भेजना है आपको, आप लर्नर हैं आपको कुछ पता नहीं। तो अगर मैं आपको ये फाइल भेजूंगा, ये वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल है, अगर ये फाइल भेजूंगा तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन होगा। अगर आपको पावर पॉइंट आती होगा तभी तो शो फॉर मीटिंग करके देखेंगे, अदरवाइज आप इसी तरह से देखेंगे क्या ना? लेकिन अगर मैं इस फॉर्मेट में भेजा तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक प्रेजेंट होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको आता हो या ना आता हो डायरेक्ट मेरा परफॉर्म हो, परफॉर्मेंस डायरेक्ट हुआ, आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परफॉर्म हुआ। तो अच्छा, तो जो आपने पहले बनाई थी पावर पॉइंट उसको फिर हम जाके सेव एज करेंगे दोबारा और ब्राउज करेंगे, राइट? अब मैंने क्या किया, इसी फाइल को प्रेजेंटेशन वाले फाइल को सेव एज कर दिया पावर पॉइंट शो में, ब्राउज करके पावर पॉइंट यहाँ पे सेव एज टाइप जो होता है सेव एज फाइल टाइप इसके अंदर में गया और हमने यहाँ पे पावर पॉइंट शो कर दिया, समझे? शो कर दिया, शो सही है, समझ गया। अभी बाकियों के बारे में हम फाइल टाइप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है।
क्योंकि अभी इसके बारे में आप पावर पॉइंट के बारे में जानना, फिटिंग के बारे में जानिए। ओके प्रिंट, अगर कोई पर्टिकुलर स्लाइड को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यू कैन प्रिंट इट। प्रिंट करने का पर्पस क्या है कि कार्ड्स बनाना चाहते हैं आप, फाइल्स बनाना चाहते हैं। अब जैसा होता है क्या है कि हमें हर काम जो है इसके जरिए तो नहीं दे सकते ना, माने कि कंप्यूटर के जरिए नहीं हो सकता है। अब जैसे कि पतंजलि योग पीठ, पतंजलि एक काम प्रोडक्ट है, शायद आप लोगों ने न्यूज़ में नाम सुना ही होगा, बाबा रामदेव के बारे में। तो जी। पता है पतंजलि का जो ये है, पतंजलि के तो ब्रांड एम्बेसडर है बाबा रामदेव, लेकिन रामकृष्ण जो है वो उनके ये है बाल रामकृष्ण, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर है। 93% के शेयर होल्डर है बाबा रामदेव, ये बाल बालकृष्ण। और हमारे ओके कंट्री के रिचेस्ट पर्सन में 48वें नंबर पे है, 48 नंबर आया है उनका रिचेस्ट पर्सन में। और पता है उनके ऑफिस में जहां वो बैठते हैं उनके पास कोई लैपटॉप नहीं, अच्छा वो सारे काम हार्ड कॉपी से ही करते हैं, उनके पास सारे रिपोर्ट्स प्रिंट आउट की जाती है। अब मैं उनको एक, अगर मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट या मेरे कोई सर्विसेज के बारे में उनको भेजना है, अगर मैं उनको मेल किया तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तो वो मेल यूज करते ही नहीं है। तो उनको तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें पेज प्रिंट आउट निकाल के उसमें स्पायरल बाइंडिंग करके एक बुक की तरह भेजना पड़ेगा, या एक फोल्डर में डाल के एक अच्छा एक प्रोस्पेक्टस टाइप बना के भेजना पड़ेगा ना। कॉलेज जी। के प्रोस्पेक्टस क्या होता है, दैट्स लाइक, तो उस केस में हमें अपने स्लाइड्स को प्रिंट करना पड़ेगा ना। जी तो स्लाइड्स को प्रिंट करने का तरीका देखिए, सबसे पहला आता है यहाँ पे कॉपीज, कि आप इस स्लाइड की कितनी कॉपी बनाना चाहते हैं। तो मोस्ट टाइम हम एक ही करते हैं। सेकेंड आता है प्रिंटर, कि आप अपने स्लाइड कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम इसको पीडीएफ में करेंगे तो पीडीएफ में भी हो जाएगा, लेकिन पीडीएफ की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेटिंग में आता है, आप मान लो इसके नीचे आता है प्रिंटर की प्रॉपर्टीज। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर प्रिंटर की प्रॉपर्टी सेटिंग आता है, लेकिन ये भी बहुत कम ही यूज करने की होता है। जैसे मैंने मुझे हाई क्वालिटी करना है प्रिंटर की, तो मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी सेलेक्ट करके पोर्ट्रेट लैंडस्केप पेपर साइज वगैरह सेट कर, लेकिन ये बार बार करने की चीज नहीं है, एक बार सेट होता है। अब बारी आती है सेटिंग। इस सेटिंग में यहाँ पे आता है कि ऑल ऑल स्लाइड्स को करना है या सिर्फ करेंट स्लाइड को, या कस्टम पे मुझे पहले को करना है कॉमा, तीसरे को करना है कॉमा, सातवें को करना है, इस तरह से आप अपने नंबर देने चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऑल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि फुल पेज स्लाइड, मतलब एक स्लाइड को पूरा फुल पेज देना चाहते हो, या फिर आप ये करना चाहते हो कि एक स्लाइड को 6 स्लाइड एक ही इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो। मगर बात सुनिए, जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो स्लाइड का तो ऑप्शन नहीं आता। क्या जब प्रिंट करते हैं, आम प्रिंट करते हैं, तो स्लाइड का तो ऑप्शन नहीं आ रहा होता। कहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा? जैसे ये आपने सेटिंग से लिखा स्लाइड आ रहा है लिखा हाँ, हुआ, ये आनंद जब हम लोग करते हैं प्रिंट आउट तो उसमें तो नहीं आता ये। आता है क्यों नहीं आता है? अच्छा, हो सकता है मैंने कभी गौर नहीं किया हो। हाँ, हो सकता है कि आपने यहां से प्रिंटर नहीं लिया हो, इसलिए प्रिंटर के प्रिंटर टू प्रिंटर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई प्रिंटर कस्टम के प्रिंटर का जो होता है आपका, उसमें उसकी सॉफ्टवेयर होती है उसके अकॉर्डिंग होती है ना। अब मान लीजिए बोथ साइज प्रिंटिंग, अब बोथ साइज प्रिंटिंग हर प्रिंटर तो प्रिंट नहीं करता है ना, जो करता है उसकी सेटिंग अलग होगी, जो नहीं करता उसकी सेटिंग अलग होगी। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इसलिए। तो इस स्लाइड जो यहाँ पे स्लाइड आता है, इसमें क्या होता है, फुल पेज बाय डिफॉल्ट है, फुल पेज स्लाइड आता है, लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए जितने भी स्लाइड है उसको आप एक कवर पे डालना चाहते हो इंडेक्स के तौर पे स्टार्टिंग में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुलेशन, कुलेशन पता है क्या होता है?
जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 5 कॉपी डाल दी, मुझे मान लीजिए कि मुझे 5 कॉपी बना के 5 जगहों पे भेजनी है। ओके अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास स्लाइड कितने है, मेरे पास 10 स्लाइड, तो 10 स्लाइड तक 50 पेज की प्रिंटिंग होगी। अगर मैंने कैलकुलेटेड किया तो ये क्या करेगा कि स्लाइड 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक निकालेगा एक सेट, फिर 10 तक निकालेगा एक सेट, फिर 10 तक निकालेगा एक सेट, ऐसे 5 सेट निकालेगा 5 बार। 5 साल 5 सेट ऑफ 10। हाँ सेट बना के लेगा, बस आपको स्टेप पर आपको बस निकालना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अनकुलेटेड कर दूं तो क्या होगा पता है, स्लाइड 1 की 5 कॉपी निकालेगा पहले, फिर स्लाइड 2 की 5 कॉपी, फिर स्लाइड 3 की 5 कॉपी, फिर स्लाइड 4 के 5 कॉपी ऐसे निकालेगा। समझ गया। तो फिर आपको आपको उसको करने के लिए खुद कुलेट करना पड़ेगा। जी ठीक है, समझ गया। उसका कलर कि कलर है या ब्लैक ग्लेस कलर या प्योर ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ग्लेस कलर में क्या होता है कि हल्का कलर होता है, और प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए प्योर आपका ब्लैक एंड व्हाइट कलर बिल्कुल हटा देता है। और ये दोनों में क्या है, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है और ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए, जैसे कि कलर आपके हुआ तो जहां जहां कलर है ना, तो ग्रेस क्या करता है उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा तो जहां जहां कलर है उसको व्हाइट में कन्वर्ट, तो उसको कन्वर्ट होगा ही, मैंने होगा जस्ट लाइनिंग दिखेगी। अब बताइए इसका इस्तेमाल मैंने कहाँ किया था, इसका नहीं इस्तेमाल मैंने किया था, मेरे मेरा एक भतीजा है जो कि 9 सालों का है, तो उसको एक दिन बहुत जिद कर रहा था मुझसे कि अंकल मुझे कलर फील करने वाले बुक चाहिए, मैं ऑफिस में मेरी स्कूल में मैम ने मांगा है चाहिए तो चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उसका स्कूल का टाइम हो चुका था और स्टेशनरी शॉप काफी दूर था, अगर मैं शॉप पे जाता वहां से खरीदता तो उसकी स्कूल बस छूट जाता, और मैं तो मॉर्निंग से काम करता हूँ। मैंने ऐसी एक एनिमल्स की स्लाइड में एनिमल्स एंड फ्लावर टाइप का एक पीपीटी इंटरनेट से डाउनलोड किया और इसको प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में करके प्रिंट मार दिया, हो गई। अब इसमें कलर भरो अपने हिसाब अच्छा से, और मैंने उसको 10 पर कर दी, और मेरे पास फाइल था ही, इसका स्टिक फाइल था मेरे पास, मैंने स्टिक फाइल में लगा के और भतीजे को दे दिया कि आज के लिए ले जाओ कल तुम बना दे, वो भी खुश हो गया, अपने हिसाब से पिक्चर सेलेक्ट किया। हाँ सही बात है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले टाइम शेयर की। शेयर मतलब कि आपकी जो स्लाइड बनी है उसको किसी को ईमेल करना चाहते हो, ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हो, या अपनी शेयर ड्राइव पे पब्लिश करना चाहते हो। ईमेल करना चाहते हो तो ये आपको आउटलुक के जरिए आप इसको एज अटैचमेंट या एज ए पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में कर सकते हो आउटलुक के थ्रू। तो क्या होगा कि ये जो है इसकी अटैचमेंट बना के आउटलुक में आपके पास आ जाएगी। देखिए आ गया, अब यहाँ पे 2 डाली और फाइल को सेंड कर दी। तो इसका इस्तेमाल होता है कि क्विकली मेल करने के लिए, आप फिर आउटलुक ओपन करोगे, कंपोज करोगे, फिर अटैच करोगे, डायरेक्टली आप यहीं पे शेयर पे जाके ईमेल कर। एक्सपोर्ट मतलब इसको आप बाहर निकालना चाहते हो एज ए पीडीएफ में, एज ए वीडियो में। आप पता है अपने स्लाइड्स की वीडियो भी बना सकते हो आप, अच्छा तो ये बनाना मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। या फिर आप इसको सीडी में लाना चाहते सीडी या डीवीडी। मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन हम लोग मेल पे तो करते ही हैं, लेकिन हार्ड कॉपी में हम लोग डीवीडी में बना के भेजते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने अपने इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री में मैंने डेटाबेस ट्रेनिंग की एक प्रेजेंटेशन बना के भेजी थी, तो उसमें क्या था कि उनको 2 चीजों में 3 फॉर्मेट में चाहिए था, एक को मेल पे चाहिए था, दूसरा हार्ड कॉपी में चाहिए था, और तीसरा डीवीडी में चाहिए था, समझे। जी क्योंकि वो टेंडर था ना, तो हार्ड कॉपी टेंडर में गया था और सॉफ्ट कॉपी उनके स्टॉक में रहा था, और मेल पे इसलिए था ताकि क्विकली देख सके और शॉर्ट लिस्ट कर सके।
कि हाँ इनको टेंडरिंग में जाना है या नहीं जाना। तो मैंने भेजा था और मैं निकल भी गया था, और 3 साल मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री में पढ़ाया भी था। तो इसलिए हम सीधी करते हैं। तो सीधी में करने से क्या होता है, मान लीजिए फाइल को आपने सीधी में राइट कर दिया तो वो सिर्फ कंप्यूटर पे चलेगा, जैसे ये नॉर्मल हम बर्न करते हैं ना, मान लीजिए इसको हमने डीवीडी में बर्न कर दिया। आपको डिग्री राइट करने आता है आपको? क्या कह रहे हैं दोबारा बोलो। हाँ आपको डिग्री राइट करने आता है? डिग्री राइट करने मतलब डीवीडी राइट कैसे करते हैं? मान लीजिए कि आपको कोई फाइल मिल जाए, जैसे ये इसी फाइल है, मुझे इसी फाइल को डीवीडी में कॉपी करना है, तो आपने डीवीडी में डीवीडी वैसे हाँ डीवीडी कॉपी करना तो डीवीडी में कॉपी कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं होता है ना। डीवीडी के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट कीजिए, शेयर पे जाइए और यहाँ से वर्न टू डिस्क। जी। तो वर्न टू डिस्क में क्या होता है कि ये फाइल जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब वो सिर्फ चलेगा सिस्टम के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपने कहां से जाके खोला भाई, ये कौन सा किसी भी फोन फोल्डर, जिस फोल्डर में आपका फाइल रखा है उस फोल्डर में जाएंगे, उस फोल्डर के ऊपर जो होता है होम शेयर एंड व्यू होता है, तो शेयर में है? अच्छा जाएंगे अच्छा और बंद कर दीजिए। अच्छा उसको क्लिक करेंगे और शेयर में जाके बर्न कर देंगे तो हो जाएगी। अब बर्न करेंगे, डीवीडी आपकी लगी होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बर्न हो जाएगी आपकी। या अल्लाह, अब तो ये आईपॉड और आईपैड और ये सब चीजें आ गई, तो लोग बर्न भी कर रहे हैं। हाँ नहीं उस पे तो कॉपी होता है, जब आपने अगर चिप वगैरह लगा रखा है ना, जैसे मान लो कि पेन ड्राइव है या आईपॉड में करना कॉपी करना चाहते हैं, तो उनपे तो ये होता है मतलब कि आपका कॉपी पेस्ट होता है। डीवीडी के लिए, डीवीडी अभी भी कंपनियों में डीवीडी चलता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अच्छा ठीक है। मान लीजिए कि हमने एक प्रपोजल आपको भेजा, तो प्रपोजल बाय मेल और उसके बाद हम डीवीडी में आपको रखेगा, ताकि कल के डेट में आप ये ना कहो कि आपने मेरे प्रपोजल में एडिट किया, हमें आपको ये प्रपोजल नहीं मिला था। इसलिए अच्छा हम ठीक है। डीवीडी में राइट करते हैं, क्योंकि डीवीडी में तो कोई चेंज एक बार राइट होने के बाद तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि डीवीडी री राइटेबल में नहीं भेजेंगे, विदाउट री राइटेबल रीड ओनली भेजेंगे। जी तो इसलिए डीवीडी डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, जैसे कि आप अगर कोई काम करके, मान लीजिए सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर को पहले तो हम आपका सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, और एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको डीवीडी देंगे ना, पेन ड्राइव तो नहीं जी देंगे, हो सकता है पेन ड्राइव क्रैश हो सकता है, पेन ड्राइव में वायरस आ सकती है, क्योंकि पेन ड्राइव तो रीडाइटेबल होता है। इसलिए अच्छा मान लीजिए ना कि मान लीजिए जी। आपने मेरी सारी क्लासेस आपने पेन ड्राइव में रख ली, आपने ऐसे पीसी में पेन ड्राइव लगाया जहां पे ये था वायरस था, आपका वायरस उसका वायरस पेन ड्राइव में घुस गया और आपके सारे फाइल को कर दिया, तो आपका सारा ठीक डेटा है लॉस्ट हो गया। तो डीवीडी में हम राइट करेंगे तो डीवीडी में वायरस इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डीवीडी राइट होगी नहीं वायरस के, तो वायरस आएगी। राइट करते समय अगर मेरे पीसी में वायरस होगा तो डीवीडी में चला जाएगा, अगर मेरे पीसी में वायरस नहीं होगा तो फिर वो डीवीडी में किसी भी तरह का वायरस कभी नहीं आ सकता। ठीक है, एक सेकंड, ये वाली बात दोबारा बताइएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने डीवीडी राइट किया और डीवीडी मेरी डीवीडी बनाते समय अगर मेरे सिस्टम पे वायरस है तो डीवीडी में वायरस चला जाएगा, ओके अगर मेरे सिस्टम पे वायरस नहीं है और मैंने डीवीडी राइट कर दिया तो उस डीवीडी में इन फ्यूचर में कभी भी वायरस नहीं जाएगा। ओह अच्छा ये बात है। हाँ लेकिन डीवीडी री राइटेबल नहीं होनी चाहिए, डीवीडी दो तरह की होती है, रीड ओनली एंड री राइटेबल। रीड ओनली क्या होता है कि एक बार जब वो राइट हो जाती है दोबारा उस पर राइट नहीं होता है, और री राइटेबल होता है कि उस डीवीडी के ऊपर 5-10 बार दोबारा से री राइट किया जाता है। ये तो डीवीडी के ऊपर लिखा होता होगा हाँ डीवीडी के ऊपर लिखा होता है, और री राइटेबल का प्राइस हाई होता है और रीड ओनली का प्राइस भी कम होता है, दोनों
प्राइस भी पता चल जाएगा आपको। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ जी तो लेकिन हाँ मैं ये समझा रहा था कि नॉर्मल जब राइट करते हैं हम फोल्डर से, जो आपको बोला राइट बॉन्ड करने के लिए, बॉन्ड फिक्स करने के लिए बोला, ये क्या होगा कि उसको कंप्यूटर में लगा के खोलना पड़ेगा, उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, डीवीडी प्लेयर पे नहीं चलेगा फाइल में, समझे? डीवीडी प्लेयर पे वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? डीवीडी प्लेयर पे नहीं चल पाएगा। हाँ वो तो डीवीडी प्लेयर पे तो नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप सेव एज कैच करते समय पैकेज प्रेजेंटेशन और टू फोर सीडी पे क्लिक करेंगे तो फिर वो डीवीडी प्लेयर पे भी कर पाएगा। कब वो चलेगा उसके ऊपर? आपकी आवाज कट रही है। हाँ, पैकेज प्रेजेंटेशन टू फिक्स करेंगे या एक्सपोर्ट पे जाएगा। जब एक्सपोर्ट पे जाके पैकेज प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो फिर उस पर भी चलेगा। हाँ, डीवीडी प्लेयर पे भी चलेगा। अच्छा ठीक है। हाँ क्रिएट हैंडआउट्स, ये हैंडआउट्स के बारे में आगे आपको बताएंगे, फिलहाल रुक जाइए यदि आप नहीं समझ पाएंगे। और चेंज फाइल टाइप, और फाइल से कि आप पीपीटी के अलावा पीडीएफ में वगैरह में करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। क्लोज क्लोज करेगा अकाउंट, जैसे कि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट है वो लॉग इन करना है तो लॉग इन कर सकते हैं। फीडबैक भी सेम है कि आप माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं। एंड ऑप्शंस में आपके प्रेजेंटेशन के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्क्रीन टिप्स ना दिखना, यहाँ पे ऑथर नेम, कलरफुल, ऐसे इसमें बहुत सारे ये हैं, सेविंग लोकेशंस, इनके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है। तो फिलहाल हमने आपके साथ फाइल मेनू के बारे में डिस्कस किया और उसके होने वाले चीजों के बारे में डिस्कस किया, प्रेजेंटेशंस के टाइप के बारे में डिस्कस किया, और स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंसेस बताया आपको। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ फिर मिलेंगे जहां हम बात करेंगे एक्सेल पावर पॉइंट की सेटिंग्स के बारे ओके ठीक है। चलें सही है। थैंक यू। में। ओके, बाय। बाय बाय।